हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न झारखंड। आइए आज हम लोग बात करते हैं झारखंड के कुछ बेसिक्स के बारे में, जो हम लोगों ने एक बार पहले किया था, लेकिन कुछ चैनल हादसा, कुछ आपको याद होगा, डिलीट, रिपोर्ट, तो सब वीडियो चला गया था। तो एक बार फिर से मैं इसे बता देता हूँ। आइए, झारखंड जो राज्य है ये पहले बिहार में शामिल था, आप सभी को पता होगा। ये बिहार से टूट करके कब बना, 15 नवंबर 2000 को बना, और ये देश का 28वां राज्य के रूप में बना। ये बिहार का कौन सा पार्ट कट करके झारखंड बना, तो बिहार का सदर्न पार्ट। कौन सा पार्ट? सदर्न पार्ट को काट करके बनाया गया झारखंड। दक्षिणी हिस्सा, बिहार का दक्षिणी हिस्सा को काट करके झारखंड को बनाया गया। कितना प्रतिशत एरिया लिया गया था उस समय बिहार का? 46%। बिहार का 46% लैंड को काट करके जो है झारखंड बनाया गया था, ठीक है। जब ये 2000 में झारखंड बना दोस्तों, तो उस समय और भी तो राज्य का गठन हुआ था इस साल में, ठीक है। वो था, एक था छत्तीसगढ़ और एक था उत्तराखंड। झारखंड बन गया 28वां राज्य, छत्तीसगढ़ बन गया 26वां और उत्तराखंड बन गया 27वां राज्य, ठीक है। तीन राज्य जो है उस समय बना था 2000 में, ठीक है। और उस समय राजधानी इसका कहां है? रांची रखा गया, ठीक है। उप राजधानी मतलब सब कैपिटल दुमका बनाया गया। आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि पूरा देश में झारखंड ही एक इकलौता ऐसा राज्य है जिसका उपराजधानी है, बाकी ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जिसका उपराजधानी भी कहीं हो, और झारखंड का एक नहीं, अब जी हाँ, जब बना था उस समय एक ही था सब कैपिटल दुमका, लेकिन अब चार इसके सब कैपिटल हैं। कौन कौन? तीन प्रस्तावित हैं, एक तो दुमका है ही, तीन में से एक है चाईबासा। ये कहां पे है पता होना चाहिए आपको, ये है पश्चिमी सिंहभूम, वेस्टर्न, ठीक है। दूसरा हो गया गिरिडीह, और तीसरा क्या हो जाएगा? मेदिनीनगर। ये कहां पे है? ये है पलामू में। कहां पे है? पलामू में, ठीक है दोस्तों। आइए भौगोलिक स्थिति देखते हैं, तो 21, देखिए इसको याद कैसे करेंगे, बहुत लोग इसको नहीं याद कर पाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मैं आपको और सिखाता हूं कि इसको याद कैसे करना है। 21, 58, 10, तीन टर्म है, क्या है? 21, 58, 10 से लेकर के 25, 19, 15, 21, 58, 10 से 25, 19, 15 किस अक्षांश में है? उत्तरी अक्षांश में है। देखिए इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछता है झारखंड की उत्तरी अक्षांश की भौगोलिक स्थिति क्या है। उत्तरी अगर पूछे, क्या पूछे आपसे? उत्तरी पूछे, क्या पूछे? उत्तरी। देखिए उत्तरी में देखिए तीन 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 वर्ड है, एक दो तीन, माने तीन, तो आपको फटाक से ध्यान में लाना है तीन वाला कौन सा रहेगा ऑप्शन में। देखिएगा यहां भी एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, माने उत्तरी में तीन टर्म, तो तीन टर्म वाला आपको ढूंढना होगा। ये तो आपको पता चल गया, हो सकता है कहीं चार टर्म दे दे, दो टर्म दे दे, आप उसको आसानी से काट देंगे। जैसे आप देखिए नीचे में दो टर्म है, आप इसको काट देंगे, लेकिन उत्तरी पूछे तो उत्तरी खुद एक तीन टर्म है, एक दो तीन, तो ऑप्शन में जाके देखना होगा कि तीन टर्म वाला ऑप्शन कौन है। देखिए इसका आंसर में एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। अब आप यहां तक पता कर लिए कि तीन टर्म वाला ही आंसर होगा। अब तीन टर्म वाला में भी अगर वर्ड, अगर ये नंबर आगे पीछे दे देता, तब देखिए तब कैसे इसको ध्यान रखना है। आप 21, 58, 10 को, 21, 58, 10 को अगर आप जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर ये जो है करीब, देखिए क्या आता है, 08889589 आता है, 89। आपको ये आपको एडिशन याद रखना होगा, 89, यस, ठीक है। अब इसको ऐड कीजिए, नीचे का तीन टर्म इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5
दस नौ उन्नीस के नौ हाथ में एक दो तीन चार उनसठ 89 59 यहां भी नाइन 89 59 कुछ संबंध बन रहा है। तो अगर आपको ये 59 और अगर आपको ये 89 याद है, इतना मत याद कीजिए, आप सिर्फ 89 और 59 आप याद कीजिए और एग्जाम में आप जोड़ करके देख लीजिए आपका आ गया तो आंख बंद करके मार देंगे सही एकदम। इससे ज्यादा ये डेंजर नहीं पूछेगा, है ना, मतलब ये या तो 10 की जगह 12 कर देगा, 21 की जगह 25 कर देगा, या 15 की जगह 18 कर देगा, 25 की जगह 20 कर देगा, यही करेगा। तो आपको ऐड करके देख लेना है 89 और ये 59, देखिए 9 9 यहां भी मैच कर रहा है, तो 89 59 अगर आ गया अफराक से सही मार देंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या चेक करना है, तीन टर्म यहां पर है 1 2 3, तो आप ये इसको आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद पूर्वी, अब आइए पूर्वी देशांतर में देखिएगा। अब पूर्वी में देखिए दो टर्म नहीं लग रहा है, पूर्वी जैसे उत्तरी था तो तीन टर्म, यहां पूर्वी में दो टर्म, एक दो टर्म, देखिए आपको देखना होगा दो टर्म वाला डाटा का है। देखिए 87 भी एक टर्म, 57 भी एक टर्म, है ना, दो टर्म यहां मिल गया। तो आप इस तरह से पता कर सकते हैं कि दो टर्म वाला डाटा कहां पर है, तो पूर्वी दो टर्म 87 57 दो टर्म, और ऊपर वाला जो बच गया अगर आपको नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसको याद रखना जरूरी है 87 57। और देखिए ये भी आसानी से इसलिए माइंड में रहेगा क्योंकि 89 87 89 87 59 57, देख रहे हैं, बस दो दो डिजिट का फर्क है 89 में 87 59 में 57। तो अगर आपको 89 59 याद है दोस्तों और आपको ये पता है कि दो टर्म वाला है, तो 87 57 वाला भी टर्म आप आसानी से खोज करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब राज्य का जो विस्तार है वो पूर्व से पश्चिम, अगर ये हमारा मान लीजिए कि ये हमारा झारखंड का मैप है, तो पूर्व से पश्चिम माने इधर से इधर राज्य की लंबाई कितना 463 किलोमीटर, और नॉर्थ से साउथ माने ऊपर से नीचे 380 किलोमीटर, ठीक है। आइए अब भौगोलिक सीमाएं राज्य का 5 राज्यों से मिलती है, अगर आपको यहां नहीं बताएंगे आप मेरा वहां जाके देखिए, बहुत शानदार तरीके से मैंने बताया है डिस्ट्रिक्ट वाला चैप्टर, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सबसे पहले आप चैनल पे आएंगे लर्न झारखंड, उसके बाद जाएंगे सेक्शन ऑफ प्लेलिस्ट, वहां पे आपको मिलेगा झारखंड के जिले, बहुत शानदार तरीके से मैंने बताया है। आप अगर वो वीडियो देख लिए तो कभी भूलिएगा ही नहीं कितने जिले हैं, किस एरिया में कौन सा जिला है, किस पार्ट में कौन सा, पूर्व में कौन, पश्चिम में कौन, उत्तर में कौन, दक्षिण में कौन, कौन सा परमंडल, सब कुछ बताया गया है ना। तो 5 राज्यों को ये छूती है ना, वो 5 राज्य कौन कौन सा है, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यूपी, ठीक है। बाकी फुल डिटेल चले जाइएगा हमारा सेक्शन ऑफ प्लेलिस्ट, वहां जाके देखिएगा। एरिया जो 79,714 किलोमीटर स्क्वायर जब झारखंड बना था 2000 में तब ये एरिया था, ठीक है, और उस समय के हिसाब से यह देश में 16वां स्थान रखता था, 16th पोजीशन रखता था। बात कहिएगा यहां लिख दिए 15, रुकिए थोड़ा, जब बना था 2000 में तब 16th पोजीशन था, ठीक है, और उस समय एरिया ये था, लेकिन अब यह स्थान 15 क्यों हो गया, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट अ स्टेट नाउ, वो टूट गया, वो घट गया, तो क्या आ गया, 15वां बन गया, ठीक है। उसके बाद अब एरिया 714 से 16 हो गया, 714 से क्या हो गया 716, कैसे, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था 2019 के अनुसार झारखंड का जो एरिया है 2 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ गया, 79 716 किलोमीटर स्क्वायर। और आपको लेटेस्ट में यही डाटा एग्जाम में लिखना होगा, यही डाटा पूछेगा, है ना, इसीलिए हालांकि आप दोनों याद रखेंगे लेकिन यही पूछेगा आपसे, ठीक है। और देश में इस एरिया के मुकाबले क्या परसेंटेज है, तो 2.42% ऑफ इंडिया, ठीक है, माने इंडिया का में अगर 100% है तो उसका इतना प्रतिशत पर झारखंड का एरिया है, ठीक है। ग्रामीण एरिया, आइए देखिए ग्रामीण एरिया की कितने एरिया पर रूरल लोग रहते हैं,
ग्रामीण लोग रहते हैं तो 77,922 किलोमीटर स्क्वायर। इसको दोस्तों याद ऐसे ही करते हैं डाटा को, है ना, 77,922। ऐसा नहीं आप याद करेंगे 77,922, भुला जाइएगा 77,922 एकदम है, बिल्कुल ऐसा ही है ना। शहरी माने कि अर्बन, अर्बन एरिया कितने हैं 1792, 1792 किलोमीटर स्क्वायर। अब आप देखिए स्क्वायर कीजिए आ जाएगा, है ना, 2 2 4 9 2 11 9 7 16 और 1 17 7 8 1 9 79 714 ओल्ड वाला बोले ना, है ना, क्योंकि 2 किलोमीटर स्क्वायर जो बड़ा है ये इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार, ठीक है। आइए जिला टोटल जो है 24 है अब है, लेकिन जब राज्य बना था ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट उस समय कितने थे, 18 जिला थे। 6 जिला जो नया बना है, मैंने इसके लिए भी वीडियो बना रखा है, आप चाहिए सेक्शन ऑफ प्लेलिस्ट में आपको वहां पर मिल जाएगा। और वहां ट्रिक से मैंने आपको बताया था, लाते जाओ सीम केला, लाते जाओ सीम केला खाएंगे, याद रखिएगा। प्रखंड आइए, 263 प्रखंड है एट प्रेजेंट। अनुमंडल कितने हैं 45। जब राज्य का निर्माण हुआ था तब कितने थे 33 था, ध्यान रखिए कई बार एग्जाम में पूछ देगा राज्य का निर्माण के समय अनुमंडल कितने थे, तो 33, अभी कितना 45। प्रमंडल कितने हैं 5, कौन कौन, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू और कुल्हान, ठीक है। मैंने प्रमंडल सेक्शन में बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करके पढ़ाया है, इस प्रमंडल में कितने जिले, कितने जिलों में कौन कौन से प्रखंड, कितने अनुमंडल, सब बताया जाके देखिए आप। अधिसूचित प्रखंड नोटिफाइड ब्लॉक, मतलब क्या हो नोटिफाइड ब्लॉक, ऐसे ब्लॉक को किन्हीं कारण से नोटिफाइड किया जाता है, किसी खास कारण से, ऐसा अगर कोई खास वहां पे जनजाति है, कोई खास तरह को वहां पे, बेसिकली मान के चलिए कि जनजाति कारण से ही नोटिफाइड किया जाता है तो ठीक है। और भी ऐसे कुछ खास अगर वहां पर हो गया, पर्टिकुलर कुछ खास चीज है उस ब्लॉक में, तो उसको नोटिफाइड कर दिया जाता है। गांव कितने हैं 32,62, इसको याद कैसे रखेंगे, 32 का डबल देखिए 64 होता है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखें 32,62 ठीक है, ऐसे करके। ग्राम पंचायत 44,03 ठीक है। नगर निगम टोटल 9 है, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछता है। 9 कौन कौन से हैं देखिएगा, मैंने इसको एब्रिविएशन यहाँ पे लिखा है, इसका देखिए फुल फॉर्म, रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो, गिरिडीह, ठीक है। फिर से आइए, रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो, गिरिडीह, ओके। आइए नगर परिषद है टोटल 21। कुछ डाटा और है, आइए इसको रब करते हैं और नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए दोस्तों आगे आइए, नगर पंचायत टोटल 20 है, नगर पंचायत ठीक है। रांची नगर निगम जो बना, इसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि रांची हमारी राजधानी है, और रांची जो नगर निगम बना ये कब बना 1979 में, ठीक है। लेकिन इससे संबंधित एक और क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं आरआरडीए के बारे में, आरआरडीए मतलब रांची रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका गठन 1975 में हुआ था उस समय, ठीक है, रांची रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, लेकिन यही बाद में जाके क्या बना, रांची नगर निगम जाकर के बना आरआरडीए ही, तो आरआरडीए का गठन 1975 और ठीक 4 सालों के बाद रांची को बना दिया गया क्या नगर निगम 1979 में, ठीक है। महानगर झारखंड के 3 है, 3 कौन कौन से, एक धनबाद, एक रांची और एक जमशेदपुर, धनबाद रांची जमशेदपुर 3 महानगर है। छावनी बोर्ड सिर्फ 1 है रामगढ़, इसको इंग्लिश में कैंटोनमेंट बोर्ड भी बोलते हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड कहा जाता है। नेशनल हाईवे जो झारखंड से पास हुआ है वो कितना है 3400 किलोमीटर, और स्टेट हाईवे अपना झारखंड का कितना है 1232 किलोमीटर, ठीक है।
विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कितना है टोटल 21। और जो राजकीय भाषा है, जो पहला राजकीय भाषा है प्रथम, वो है हिंदी। फर्स्ट जो राजकीय भाषा है क्या है, वो हिंदी स्टेट लैंग्वेज। और सेकंड जो राजकीय भाषा है, द्वितीय राजकीय भाषा, टोटल 16 है। टोटल 16 में कौन कौन सा, वही संथाली, हो, खड़िया, मुंडारी, भोजपुरी, यही सब है। ठीक है, टोटल 16 उर्दू हिंदी। ठीक है, इन पहला प्रथम हिंदी। सबसे बड़ा शहर क्या है, जमशेदपुर। यस, कहाँ पड़ता है जमशेदपुर, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आगे प्रमुख औद्योगिक नगर, इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया मेन कौन कौन से है, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और हजारीबाग। ठीक है, एच जेड मतलब हजारी शॉर्ट में लिखा है मैंने। सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला, ऐसा कौन सा जिला है जिसमें बहुत ज्यादा प्रखंड है, तो नंबर वन पलामू है। फर्स्ट में पलामू ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा प्रखंड है। मैंने ये सब चीज को मैंने बताया है ये लेक्चर ऑफ प्रमंडल, ठीक है, उसमें जाके देखिएगा पूरा डिटेल में। गढ़वा में टोटल कितने हैं, 20, सेकंड पोजीशन पे आता है। और राज्य में टोटल कितने हैं, 18 प्रखंड, थर्ड में आता है। ठीक है, सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल, ऐसा कौन सा प्रमंडल जिसकी सबसे ज्यादा जिला है, कौन सा, उत्तरी छोटा नागपुर। सारा ये सब जो मैंने अभी बता रहा हूँ, ये सब सारा चीज मैंने कहाँ बता रखा है, जाइएगा लर्न झारखंड के प्ले लिस्ट में, खोलिएगा डिस्ट्रिक्ट वाला सेक्शन, सब कुछ है। ठीक है, सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कुल्हान, यहाँ भी 3, पलामू यहाँ भी 3। ठीक है, और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र। और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र अगर पूछा जाए, अगर बड़ा पूछ दिया जाए पश्चिमी सिंहभूम, और छोटा पूछा क्या पूछे, छोटा, अगर छोटा पूछे तो चतरा, चतरा छोटा पूछे तो चतरा, और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पूछे तो पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, आइए इसको रब करते हैं, कुछ और बातें हैं आगे देखते हैं। दोस्तों देखिए, आइए अनुसूचित जनजाति जो है टोटल हमारे झारखंड में 32 है, 32, और इसी 32 में से 8 आदिम जनजाति भी है, 8 आदिम जनजाति भी है। ठीक है, हाईकोर्ट जो है वो रांची में है, और ये 21वां हाईकोर्ट बना था, ठीक है, 2000 में ही बना था हाईकोर्ट, और देश का 21वां हाईकोर्ट था रांची। अभी जो वर्तमान में मतलब प्रेजेंट जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है, डॉक्टर रवि रंजन, ये 13वें चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अभी सुप्रीम कोर्ट के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, है ना, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हिंट दे देता हूं, उनका नाम है डी से शुरू, DY करके। अब आप पूरा नाम लिखिए। विधायिका जो है एक सदन है, मतलब एक सदन ही यहाँ पर है। बहुत सारे ऐसे राज्य है जहां पे 2 सदन है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। हमारा झारखंड में काउंसिल नहीं है, क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, ओके, गॉट इट। और विधानसभा सीट मतलब कि MLA का सीट टोटल 82 है, 82 में 81+1। ठीक है, 81+1 का मतलब 81 चुन करके आएंगे और 1 जो है मनोनीत, हालांकि अब ये मनोनीत वाला हट गया है। ठीक है, अगली बार से हमें देखने को मिलेगा कि टोटल जाएंगे इलेक्ट होकर के। लोकसभा जो सीट है वो टोटल कितने हैं, 14 है। इस 14 में 1 जो सीट है ये है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, 5 शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए और 8 अनरिजर्व। ठीक है, और जो राज्यसभा सीट है वो टोटल कितने हैं, 6 है, ध्यान दीजिएगा। गवर्नर जो है अभी हमारे कौन है, CP राधा कृष्णन। कौन है, CP राधा कृष्णन, अवर ही चेंज हुए हैं, हालांकि करीब 1 महीना भी ठीक से नहीं हो रहा होगा। और ये हमारे राज्य के 10वें नंबर के गवर्नर हैं। 9वें नंबर में कौन थे, रमेश बैस थे। और 8वें में कौन थे, अभी हमारी महामहिम प्रेसिडेंट हैं, कौन, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू 8वीं थी, 9वां रमेश बैस और 10वां CP राधा कृष्णन। अभी जो 8वें नंबर में जो हमारे रहे थे द्रौपदी मुर्मू, अभी वो प्रेसिडेंट है इंडिया के।
और जो नौवें नंबर के थे रमेश वैस वो महाराष्ट्र के बन गए गवर्नर। ठीक है चलिए आगे। जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन है और ये 11वें सीएम है झारखंड के, 11वें सीएम है और अब तक टोटल 6 व्यक्ति सीएम बन चुके हैं झारखंड में। टोटल 6 व्यक्ति सीएम बन चुके हैं, ये डाटा अलग है। टोटल 6 व्यक्ति सीएम बन चुके हैं और 11वें नंबर के सीएम बने हेमंत सोरेन। टोटल जो 6 व्यक्ति सीएम बने हैं वो कौन कौन से हैं जरा कोशिश करते हैं। एक बाबूलाल मरांडी, उसके बाद अर्जुन मुंडा भी बने हैं, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन। ठीक है, एक बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और चार दो माइंड में रिकॉल नहीं हो पा रहा है। एक वो कौन थे जो निर्दलीय चुन करके आए थे और सीएम बने थे, और एक इससे पहले रघुवीर दास करके, मतलब क्या मतलब जो इससे पहले थे रघुवीर क्या 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 नाम था रघुनाथ था रघुवर दास। ठीक है, एक और जो छूट रहा है जो निर्दलीय चुन करके आए थे उनका नाम था रिकॉल नहीं हो रहा, आप लोग देख लीजिएगा ना। टोटल 6 लोग आगे आइए। जो विधानसभा जो अध्यक्ष है अभी कौन है, रविंद्रनाथ महतो विधानसभा के अभी अध्यक्ष वर्तमान। और अपोजिशन लीडर मतलब कि विपक्ष में नेता कौन है, बाबूलाल मरांडी, ये बीजेपी से है। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल झारखंड में दोस्तों 3 बार लग चुका है, 3 times। पहला बार लगा था 2009 में, कब लगा था 2009 में, ये लगा था 11 महीना 10 दिन के लिए और उस समय जेएमएम का सरकार था, किसका था, जेएमएम का सरकार था। दूसरा बार लगा 2010 में, ये लगा 3 महीना 10 दिन के लिए, इस समय भी जेएमएम का सरकार था और अभी वर्तमान में भी 2023 में जेएमएम का सरकार है 2019 दिसंबर से। और तीसरा बार 2013 में लगा था, इसमें बीजेपी का सरकार था, 5 महीने 24 दिन के लिए लगा था। अर्जुन मुंडा जो है वो 3 बार सीएम रहे झारखंड के और जब ये तीनों बार का टाइम पीरियड मिला दिया जाता है तो अब तक के सबसे ज्यादा दिन तक सीएम रहने वाले कौन बन गए, सबसे ज्यादा दिन तक सीएम रहने वाले अर्जुन मुंडा है। और सबसे कम समय के लिए जो सीएम बने थे वो कौन थे, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन के पिताजी। ठीक है, और अगर ये सवाल पूछा जाए कि अब तक का एक ही टर्म में सबसे ज्यादा समय तक सीएम रहने वाले व्यक्ति एक ही टर्म में, और रघुवर दास। ठीक, चलिए तो आज हम लोग दोस्तों रखते हैं यहीं तक, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डाटा के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।